एशिया कप का मैच नंबर 3 और यहां से बांग्लादेश अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहा है इस 2022 की सीरीज में। अफगानिस्तान ने हमारे गेम प्ले में बहुत तगड़ा खेला था, रियल लाइफ में भी बहुत तगड़ा खेला था। अब देखना है कि वो तगड़ा परफॉर्मेंस बांग्लादेश के सामने आगे बढ़ता है या रुकता है, लेट्स सी। बात करें प्लेइंग 11 की तो प्रिडिक्ट किया है मैंने अफगानिस्तान का, मेरा पिछले मैच का है, बांग्लादेश का मैंने कोशिश की है कि शायद ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है। हेड्स के साथ अफगानिस्तान का कॉल। अब देखिए, लास्ट टाइम बैटिंग ली थी, झंडे गाड़ दिए थे अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने टॉस जीता है और हाँ इस बार हम अफगानिस्तान बने, डिसीजन फिर हमारे सामने वाली टीम के पास गया, उन्होंने बैटिंग ली, एग्जैक्ट वही जो पिछली मैच में हुआ था अफगानिस्तान के सामने, अफगानिस्तान ने बैटिंग ली थी, इस बार बांग्लादेश ने। पढ़ती हुई इंट्रो, लास्ट टाइम हो गई थी स्किप। भाई बता दूँ, शारजहाँ का स्टेडियम इस गेम में नहीं है तो मैंने डाउनलोड किया है, तो हाँ शारजहाँ के स्टेडियम में ही मैच हो रहा है, यहाँ पर दुबई स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं हम लोग, ये मैच शारजहाँ में खेल रहे हैं। और भाई प्लीज़ लाइक, गोल का जो हमारा टारगेट है वो है 2000 लाइक्स का इस वीडियो पे, तो प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं लाइक सपोर्ट जरूर से करना। ओ ये क्या है, एक बॉल गलती से डाली गई है, ठीक है कि चल गई, कंट्रोलर में कुछ इशू आया था बट ठीक है। डॉट से शुरुआती झटके लगे थे, 58 पर 3 था 10 ओवर में, 5 ओवर में बचाया है, 50 लगाया है रहीम ने, महमूदुल्लाह भी अच्छा खेल रहे हैं 24 में 22, एक स्टेबल करने की कोशिश है बट लास्ट 5 ओवर में सबको बताया कि नहीं छोड़ने वाले। फील्डिंग डिफॉल्ट, गेंदबाज डिफॉल्ट और पहला शॉट कास्ट थोड़ा नीचे होता फील्डर तो एटलीस्ट रुक तो जाती, 4 मिला है महमूदुल्लाह के बल्ले से। 8.31 कोई बहुत मेजर नहीं है बट एजिस यहां पे काम करेंगी महमूदुल्लाह के फेवर में। स्लिप में से जाता हुआ 4 रन, निराश है अफगानिस्तान गेंदबाज और होना भी चाहिए, अच्छी गेंद कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे, एजिस भी दिलवा दी थी बट किस्मत बांग्लादेश के साथ। गेंद, हैट्रिक का चांस और इस बार और बेहतर नजर आ रहे हैं, 6 के लिए खेल दिया है शॉट को आसान हिट करते हुए, वही हो रहा है जो पहली इनिंग में हुआ था। जब भी सामने वाली टीम पहली बैटिंग लेती है, एटलीस्ट इस सीरीज में बहुत ही अच्छा खेली है, यहाँ पर भी वही कंटिन्यू हुआ है, लाइन लाइन बदलते हुए पैरों पर फिर गैप ढूंढा है, एक और 4 लगा दिया है यहाँ पे महमूदुल्लाह ने, हमने ऑलरेडी 7 छक्के भी खाए हैं, उसके लिए आपको पिछला मैच देखना होगा अफगानिस्तान वाला अगेंस्ट श्रीलंका। यहाँ पर चौकों की लड़ी विथ 6, धीरे धीरे बाहर ले जा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट खेल दिया है, यहाँ पर स्ट्रेट में भी 4, पिचलेस भाई मैं क्या करूँ, हर गेंद पे तो मार ही रहे हैं। हल्का फुल्का फील्डिंग में चेंज बट यहाँ पर कुछ असर नहीं क्योंकि स्क्वायर पे अभी भी गैप ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि स्क्वायर मैंने सही रखा, मतलब गेम ने सही रखा है, मैं भी होता तो वहीं रखता बट 4 निकाल लिया। रेट जो 8 के 8 पे था वो अब 9.2 होता हुआ और इस बार भी लॉफ्टेड एडवांस, वन ऑफ द बेस्ट शॉट इस मैच का अभी तक का, 6 रन, रहीम भी महमूदुल्लाह की ही राह पकड़ते हुए लॉफ्टेड खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं महमूदुल्लाह, स्ट्राइक पर फ्लैट खेलते हुए गैप निकाल दिया है, 50 पूरा करते हुए 31 गेंदों में। दिक्कत की बात ये है कि पिछले जो इनके 15-16 रन बने हैं वो ये 167 स्ट्राइक रेट से नहीं है, उससे दोगुनी स्ट्राइक से बनाए हैं। रहीम गैप नहीं यार, ये स्क्वायर का क्या फंडा है, तुम भी डीप जाओ भाई, मिड विकेट भी डीप जाओ। नवीन को कंटिन्यू कराया है, अरे स्ट्रेट सिलेक्शन शॉट का इम्पॉसिबल है रोक पाना, 4 रन, हुआ क्या है पता है, मिड विकेट डीप जा चुका है तो वो लोकेशन थोड़ा सा लॉक हो चुका है, तो अब ये सीधा मार रहे हैं शॉट, क्या तंगड़ा स्ट्रेट मारा है, आगे रखते हुए गेंद, अब इस बार देखना 4 जाता है कि ना, अरे रे अभी भी 4 ही है, 200 तो बन रहे हैं 100 से, इनसाइड एच, चलो अच्छा है, पहली बार मैंने कोई अच्छा कहा इनका और यहाँ डॉट गई है यॉर्कर, फिर उसी लाइन पर इस बार इनसाइड एच पे बोल्ड, लास्ट टाइम भी इनसाइड एच हुई थी बट कीपर तक गई थी, ऑफ स्टंप पे थी, इस बार इनसाइड एच बड़ी और डंडा हो गोल, लेफ्ट स्टंप पे लगी है, एंगल का फायदा, पिछली गेंद पे तारीफ और उसके बाद 2 गेंदों पर नुकसान होता हुआ बांग्लादेश का, सेम गेंद स्ट्रेट लपेटते हुए रन, वो भी 4, हुसैन हमारा यॉर्कर वाला प्लानिंग तो अभी तोड़ दिया है भाई, फिर मिड विकेट वाला गैप और फिर से 4 स्क्वायर वाला, जिबिर रहमान बीट, सही है, कुछ एक्स्ट्रा बाउंस मिला इनको, 11 गेंदें संभाल लो, ग्राउंड शॉट, अब ये देखना है कि रुका रहे या नहीं रुक रहा है, ये नहीं रुक रहा, क्रॉस जा रहा है, ओवर में अगर 190 के नीचे रुक जाते हैं तो कमाल होगा, स्कूप लगाते हुए 4 यहाँ पे, पल्लू शॉट था, परफेक्ट तो नहीं था ये शॉट, परफेक्ट तो नहीं था बट काम कर गया ना, बस ये चाहिए, मिडल पर थोड़ा सा सही रहा था गेंद, लेकिन इस बार स्क्वायर से एडवांस करते हुए 6 रनों के लिए, क्लोज मामला नहीं आई थिंक, क्योंकि अगर फील्डर अटैम्प्ट भी करता तो भी नाकामयाब ही रहता, 6 रन शानदार,
नवीन को चौथा ओवर भी मिल गया और इनसाइड एज, ओ वहीं के वहीं रुक गई गेंद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आउट कर दिया था। पांच गेंदें निकालने की जिम्मेदारी, फिर से वही गेंद घूम जा रहा है बार बार बॉटम एंड लग के। यॉर्कर बीट, चार में सिर्फ एक रन, भला हो मैंने नवीन पे भरोसा दिखाया है। और ये फील्डर की तरफ है, कैच होना चाहिए और डॉट गेंद प्लस विकेट। 200 में सिर्फ दो रन चाहिए थे, नवीन ने पांच गेंदों में सिर्फ एक रन दिया है, 199 पे अटक गया है बांग्लादेश। और ये लास्ट ओवर में जो बांग्लादेश ने गड़बड़ की है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी पड़ने वाली है। अब लास्ट बॉल है, देखिए लास्ट बॉल पे क्या होता है। स्ट्राइक तो रोटेट हो चुका है, मुस्फिकुर ने 75 मारे, ओपी दिख ही नहीं रहा कैमरा मैन ने। ये गेंद रुक जाए, हाँ रुक गई, एटलीस्ट चार नहीं है, एग्जैक्ट 200 मारते हुए। खुश तो नहीं होंगे लास्ट ओवर के परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि हर ओवर में 15-16 आ रहे थे, वहाँ पर आखिरी ओवर में सिर्फ दो आए हैं, तो इजीली 12 जितने रन कम किए हैं। बैटिंग में भाई लास्ट में जो अटैक किया मुस्फिकुर ने, 75 के साथ हाईएस्ट रहे हैं। मुजीब को दो विकेट आया है, बट नवीन का लास्ट ओवर गेम चेंजिंग रहेगा। चल रहे हैं हम लोग तो 201 के रन चेज की तरफ। अफगानिस्तानी ओपनर्स यहाँ पर आते हुए, सामना होगा तस्कीन अहमद का फर्स्ट ओवर में। अब्दुल्ला जजई, अजीज एक्स्ट्रा पेस, बाउंस भी था 146। ओहो सीरियसली, ये अफगानिस्तानी है ना, 149 पर एक, 51 रन और करने हैं यहाँ पे पांच ओवर में। आसान नहीं होने वाला है मेरी बैटिंग देख के, बट अगर ये 129 होता तो मेरे बिल्कुल चांस नहीं होते, बट यहाँ पर काफ़ी सही सिनारियो है। सिर्फ एक विकेट खोया है रहमान, लेकिन लास्ट ओवर है इनका, और पहली गेंद पे गलती करते हुए यॉर्कर डाल दिए। और एज ऑलवेज अगर 6 नहीं जाता तो भी अफसोस होता, बट ये गया है गेंद बल्ले के बीच से दर्शकों के बीच में, अर्धशतक पूरा करते हुए। उधर दूसरी तरफ सेंचुरी भी लग सकती है, बट स्ट्राइक ज़्यादा लेना होगा। गेंदबाज तो सही है रहमान, बट इनका लास्ट ओवर है ये, ऊपर से पहली बॉल इन्होंने रख दी थी। यॉर्कर लगा दिया है हमने सिक्स, बल्ले के बीच से गया दर्शकों के बीच में, और हशमतुल्ला शाहिदी का अर्धशतक पूरा। उधर दूसरी तरफ गुरबाज की सेंचुरी भी हो सकती है, शाहिदी यॉर्कर आई, दुख इस बात का है कि ये 6 क्यों नहीं गया, 2 आता हुआ। गुरबाज को मिल नहीं रहा स्ट्राइक, तो वो अब उनकी किस्मत है। और में जितने चाहिए थे रन उससे ज्यादा ही मिल गए, और फिर यॉर्कर कर रहे हैं और फिर सिक्स खा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ऑलरेडी रेड में है, परफॉर्मेंस भी रेड वाला ही आ रहा है बांग्लादेश के लिए। इस मैच में सिर्फ लाल ही लाल है, खतरा ही खतरा। यॉर्कर क्या सोच के आई, लेकिन 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 कैच कर लिया गया है, कीमत चुकाई है इस ओवर में 16 रनों की, दिया है एक विकेट, लिया है एक विकेट बांग्लादेश ने। ये सिनारियो अच्छा है या बुरा है, देखो अफगानिस्तान के पास विकेट देने के लिए बहुत है, बट अभी के लिए बांग्लादेश के पास रन देने के लिए काफ़ी कम है। तो आई थिंक 16 वर्सेस एक विकेट का फंडा थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 3 ओवर तक 4 ओवर तक मैच जीत जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान, और विकेट सिर्फ वो 2 या 3 और खोएगा मैक्सिमम। और अभी टॉप ऑर्डर अभी भी खेल रहा है, मिडल अभी भी गुरबाज बाकी हैं। हसमतुल्ला 66 पे आउट, कप्तान शाकिब आई, ये कौन सा फिजिक्स का रूल लगा है भाई, बैट पे भी लगी है, पैड पे भी लगी है, अपील भी किया, कीपर पे आउट है, कीपर पे आउट है, बट ओए ले क्या गंदा रिएक्शन। दरान ठीक है, हेलीकॉप्टर ले रहे हैं हम लोग, देख के भाई, सोच के दिमाग में, नहीं तो फंस जाएंगे। यॉर्कर हाँ, स्पिनर पर मैं इतना श्योर नहीं रहता, इसलिए कोई खास रिएक्शन दिया नहीं है, एक ही रन आता हुआ ऊपर से। जितरान वेट करके 2 के लिए दौड़ेंगे, ऐसे भी लॉफ्टेड खेलते तो गेंद जल्दी पहुंच जाती, बेहतर है कि इस लास्ट गेंद पे हमने धीरे खेला है, इस बहाने 2 आते हुए। बाकी गेंदबाजी ठीक ही रही है यहाँ पर, अच्छी कहूँगा मैं एक्चुअली, 8 रन आए ऊपर से। गैप ठीक है बनाने की कोशिश, पॉइंट पे सफल होते हुए 38 को बीट करके। सैफुद्दीन यहाँ पर आए थे नए ओवर में, ठीक ठाक शुरुआत रही है, बट याद रखना है 8 से कम रन देना है अगर ओवर अपने नाम करना है। जुतरान और यहाँ पे लॉफ्टेड खेलते हुए, और वही पॉइंट पे जो लास्ट टाइम गैप था, लेकिन पावर नहीं था, इस बार गैप भी है और पावर भी है। एडवांस का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता हुआ, इस ओवर के रन भी आ चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक रन और निकालना है 3 में, 14 गेंदों में 17 और। वेट करके फिर से खेला, आई थिंक इस बार रहने दो। ओवर थ्रो 2 का मौका हो सकता है अगर बैठ के उठा रहा है, इनकी गलती है, मैं कीपर की तरफ 2 दौड़ गया हूँ, बॉलर पे आउट है लेकिन। और यहाँ पर इस गेम के लॉजिक ने भी मैच को आसान बना दिया, 18 में 14 किया जा सकता है फिनिश।
इस ओवर में मैच खेलते हुए लॉफ्टेड बट फील्डर की एग्जैक्ट तरफ जा रहा है, भला है कि एक बाउंस पहुंचा है, एक रन। लॉफ्टेड का मूड, फील्डर की तरफ फिर बढ़ रही है गेंद, इस बार वन बाउंस और थोड़ा सा फंबल भी कर दिया, गेंद छूट चुका है हाथ से। फायदा ये हुआ है कि एक की जगह दो आ गए। फील्डिंग में चेंज, मैं मानता हूँ बढ़ लीजिए, 38 बीट ही नहीं करा पाया आप। मैं खुश हुआ था देख के फील्डिंग, चलो अच्छा है 38 में से भी एक ही फील्डर हमें बीट कराना है, उसके पीछे फील्डर दूर है, बट एक्चुअली में वही हमारा सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। 38 बीट हुआ नहीं, आसान कैच दे दिया, विकेट अपना गंवा दिया है। अभी भी 6 का रन रेट नहीं है, बट आई थिंक दो शॉट में मैच फिनिश हो जाएगा अगर लॉफ्टेड लगा दिए तो। बड़ा मौका कप्तान शाकिब के लिए, विकेट निकलता हुआ और विकेट मिला है गुरबाज का। अभी थोड़ा दिक्कत है, फील्डिंग में फिर से चेंज लाया गया है, बच गए इनसाइड एज लेकिन जमीन पे टच कर गई। 7 गेंदों में 11 पॉइंट पे खेल गए हैं और उसका रीज़न था कवर पे फील्डर है और लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, तो अब सिर्फ एक ही जगह बचती है पॉइंट। ऑफ साइड पे गेंदें डाल ही रहे हैं शाकिब, फ़ायदा उठाया 4 के साथ, ओवर का एंड खराब। 6 गेंदों में 7 यॉर्कर और एज एक्सपेक्टेड 6 लगा दिया है यहाँ पर सैफुद्दीन। अब इस मैच में आई थिंक बांग्लादेश को नहीं जिता सकते, 5 गेंदों में 1 रन कौन डिफेंड करता है यार। चलो बाय का एक दौड़ रहा हूँ मैं, लाइक बाय का एक्चुअली। हाँ, बहुत गंदी हेलमेट पे लगी है बट मैच जीत लिया है, इस बात की खुशी है हमें। तो ईजी विन आता हूँ अफगानिस्तान के लिए, भाई ये तो ऐसा खेल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान को भी बच के रहना पड़ेगा, मतलब कहीं भी एक आध झटका दे दिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और देखो अभी तो अभी मैच हुआ नहीं है, रात को होगा, बांग्लादेश भी सरप्राइज़ करने के मूड में ही होगा अफगानिस्तान को, जो लय उन्होंने पकड़ी थी पिछले मैच में उसको ब्रेक लगाने के मूड में होगा। हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से अफगानिस्तान जीतेगा, बांग्लादेश हारेगा। 3 बजे हम लोग मिल रहे हैं फिर लाइव स्ट्रीम में, लेकिन रियल क्रिकेट 22 में एकदम लाइव एक्शन में, तब मिलते हैं, बात करते हैं, आप लोग अपने राय देना। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, सी यू अराउंड 3 PM।